नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज सोमवार है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इसके अलावा सोमवार को देश में और क्या क्या खास है, आइए जानते हैं आज के बुलेटिन में पांच बड़ी खबरों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की। आपको बता दें, सातवें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब दुनिया कोरोना महामारी का मुकाबला कर रही है तब योग उम्मीद की किरण भी बना हुआ है। उन्होंने कहा, इस मुश्किल समय में लोग योग को भूल सकते थे लेकिन उसके बावजूद लोगों में योग के प्रति उत्साह बढ़ा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों ने योग को ही अपना सुरक्षा कवच बनाया। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज से नया चरण शुरू हो रहा है। आज से देश में 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अभी भी पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आज से वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकी मार गिराए हैं। तीनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित, जो 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया गया है। मुदासिर के नाम 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारत में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 53,256 नए मामले आए हैं, जो पिछले 88 दिनों से सबसे कम है। यानी कि 88 दिन बाद देश में कोरोना के नए मामले इतने कम रिपोर्ट हुए हैं। वहीं रोजाना होने वाली मौत का ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है। रविवार को देश में कोरोना की वजह से 1,422 लोगों की जान चलेगी। हालांकि इस दौरान 78,190 मरीज ठीक भी हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.83% है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बन चुकी है 2,99,35,221 के पार और कुल मौतों की संख्या है 3,88,135 के पार। इसी के साथ भारत में कुल डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या है 2,88,44,199 और इसी के साथ देश में अभी कुल सक्रिय मामले हैं 7,02,867। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन की। पश्चिमी बंगाल के मालदा जिला अंतर्गत मीरक सुल्तानपुर में अवैध तरीके से सीमा पार करने के दौरान गिरफ्तार किए गए 36 वर्षीय चीनी नागरिक हान जुनवे के पक्ष में चीन उतरा। चीनी नागरिक के खिलाफ तरह तरह के आरोपों के बावजूद चीन ने साफ कहा कि चीनी नागरिक को जासूस नहीं कहा जा सकता। भारत उसके साथ वियना कन्वेंशन के दौरान उसके साथ व्यवहार करे और उसे सुरक्षा प्रदान करे। बता दें कि गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक के जब्त किए गए लैपटॉप और आईफोन से ये रहस्य उजागर हुआ है कि वह लगभग 1300 भारतीय सिम चीन भेज चुका है। इसके साथ ही वो लगातार चीन को भारत से सूचनाएं भेज रहा था। इसके अतिरिक्त पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। फिलहाल राज्य पुलिस की एसटीएफ को हान की जाँच की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को Facebook पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।